हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एक बार फिर से करते हैं कि सड़क पर किसान और सियासत का मैदान। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं, तस्वीरें आ गई हैं। मैंने पहले आपको तस्वीरें दिखाई थी, अपने घर से निकले थे आज अरविंद केजरीवाल, और ये देखिए अकेले नहीं है अरविंद केजरीवाल, उनके साथ आम आदमी पार्टी के कुछ और बड़े नेता, दिल्ली सरकार के मंत्री भी आप देख सकते हैं। सौरभ भारद्वाज तस्वीरों में नजर आए, अरविंद केजरीवाल साथ में, उनके शायद सत्येंद्र जैन भी हैं जो चल रहे हैं उनके साथ में। तो अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं सिंघू बॉर्डर, और सवाल अब आपका चैनल एबीपी न्यूज ये पूछ रहा है कि भाई किसानों के आंदोलन में बिन बुलाए विपक्ष क्यों पहुंच रहा है? किसानों के आंदोलन को क्या हाईजैक करने की विपक्ष की ये कोशिश है? किसान आंदोलन पर हैं, दिल्ली के मुहाने पर पिछले 12 दिन से यही किसान बैठे हुए थे। 12 दिन से तो अरविंद केजरीवाल को इनकी याद नहीं आई, लेकिन आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंच गए किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए। सिंघू बॉर्डर पर फिलहाल पहुंच चुके हैं अरविंद केजरीवाल, किसान नेताओं से मुलाकात करेंगे अरविंद केजरीवाल। किसान आंदोलन के समर्थन में आम आदमी पार्टी अपना रुख पहले साफ कर चुकी है। अच्छा, अब भारत बंद जो किसानों ने आह्वान किया है उसके समर्थन में एक के बाद एक तमाम राजनीतिक दल सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं हम समर्थन देते हैं। लेकिन एबीपी न्यूज पर हम आपको बता रहे हैं कि कैसे, जब यही कानून संसद से पास हो रहा था उस समय इन पार्टियों का रुख कुछ और था। इस लिहाज से विरोध को, किसान कानून बिल जब संसद में पास हो रहा था तब कोई धार देने की कोशिश इन विपक्षी पार्टियों की तरफ से नहीं की गई, और अब जबकि किसान पिछले 12 दिन से सड़क पर बैठा हुआ है तो फिर ये नेता पहुंच रहे हैं विपक्ष के अपनी राजनीति चमकाने के लिए। हम सीधे रुख करेंगे, मेरे साथ मेरी सहयोगी अंजलि इस वक्त मौजूद है। अंजलि, हम देख पा रहे हैं तस्वीरें, अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं, क्या यहां पर कुछ मंच से भाषण वगैरह देंगे अरविंद केजरीवाल या किसान नेताओं से बातचीत करेंगे अरविंद केजरीवाल, क्या रहने वाला है कार्यक्रम? जी देखिए, यहाँ पर एक गुरु तेग बहादुर मेमोरियल है जहाँ पर दिल्ली सरकार की ओर से, यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर लगाए गए हैं, पानी की व्यवस्था के लिए बायो टॉयलेट की व्यवस्था की गई है, एक लंगर भी लगवाया गया है। तो मुख्य तौर पर मुख्यमंत्री उनका जायजा लेने यहाँ पर पहुंचे थे, कुछ एक किसान भी यहाँ पर मौजूद थे जिनसे रुक कर उन्होंने थोड़ी देर बातचीत भी की। और मुख्य रूप से जो दिल्ली सरकार की ओर से कार्यक्रम बताया जा रहा है वो यही है कि तमाम जो तैयारियां की गई हैं उनका जायजा लेने यहाँ मुख्यमंत्री आए हैं, मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनके साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद है, गृह मंत्री सत्येंद्र जैन भी मौजूद है, खाद्य आपूर्ति मंत्री इमरान किसान मौजूद है, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत मौजूद है। तो तकरीबन गोपाल राय की अगर बात करें उनको छोड़कर पूरा कैबिनेट यहाँ पर मौजूद है। गोपाल राय कोरोना से संक्रमित है और यहाँ पर मुख्य रूप से मुख्यमंत्री की जो मौजूदगी है, भले ही ये कहा जाए कि तमाम इंतजाम का जायजा लेने आए हैं, लेकिन जिस तरह से पहले ही दिन से आम आदमी पार्टी पूरी तरह से किसान आंदोलन का समर्थन करती नजर आ रही है, जब दिल्ली सरकार से अनुमति मांगी गई कि नौ स्टेडियम को जेल में तब्दील कर दिया जाए, इसकी अनुमति दे दीजिए, तो दिल्ली सरकार ने उसको साफ मना कर दिया। कल आम आदमी पार्टी ने आह्वान भी किया कि भारत बंद को हम पूरा समर्थन देंगे। तो जो दबी हुई अंजलि, इसके पीछे की अगर सियासत को समझा जाए, क्योंकि पंजाब वो राज्य रहा है जो आम आदमी पार्टी की प्रायोरिटी में रहा है सियासी तौर पर अपने पैर पसारने के लिए, और ऐसे में ज्यादातर किसान इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर जो बैठे हुए हैं वो पंजाब और हरियाणा से ही आए हुए बताए जा रहे हैं, तो कुल मिलाकर ये आम आदमी पार्टी की राजनीति, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल रुमाना, मैं इसी पॉइंट पर ही आने वाली थी कि इसको आप बिल्कुल पंजाब की राजनीति से जुड़ा हुआ देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी जिनका प्रदर्शन ठीक रहा था पिछले जो पंजाब चुनाव हुए थे उसमें, तो आप पूरी तरह से पैठ बनाने की कोशिश की जा रही है इस आंदोलन के जरिए। लगातार हम देख रहे हैं कि पहले दिन से यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कई सारे विधायक दिल्ली के, वो यहाँ पर किसान आंदोलन में खाने का सामान और बाकी चीजें लेकर यहाँ पर पहुंचते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो इस आंदोलन के जरिए पंजाब पर अपनी पूरी पैठ बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी की जा रही है, और आज जब मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंच गए हैं तो उसके बाद एक और बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता, उनका सबसे बड़ा चेहरा भी इस आंदोलन के साथ खड़ा है, पंजाब हरियाणा के किसानों के साथ खड़ा है। तो जो बात आपने कही वो बिल्कुल सही है, और देखा जाए तो इसी आंदोलन के जरिए देखिए जो पंजाब के मुख्यमंत्री उन पर निशाना भी साध रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, यानी इसको आमने सामने की लड़ाई भी बना लिया है दोनों ही, दिल्ली के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री ने। पंजाब के मुख्यमंत्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को कहा कि वो डरते हैं, उनको डरपोक
बना दिया ये कहकर कि आपने अधिसूचना क्यों जारी की कृषि विधेयक की अगर आप किसानों के समर्थन में खड़े हैं। लेकिन वही अमरिंदर सिंह ने उसको डरपोक कहा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, तो अरविंद केजरीवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि अमरिंदर सिंह कौन सी ऐसी एजेंसियों के दबाव में इस तरह की बातें कर रहे हैं, अगर वो किसानों के साथ खड़े हैं तो फिर उन्होंने कमेटी में होते हुए उस समय इस बिल का विरोध क्यों नहीं किया। तो खुलकर इस पर जो राजनीति है वो साफ दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो निशाना है वो पंजाब की राजनीति में पूरी तरह से अपनी पैठ बनाने का है, ये तो इस पूरे मामले में साफ देखने को मिलता है। जी बिल्कुल, अभी आपने जिस तरीके से बताया कि ये सिंघू बॉर्डर पर वो जो मेमोरियल है गुरु तेग बहादुर, वहां पर अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए हैं। इस सिंघू बॉर्डर की अगर बात की जाए तो जो जीटी रोड है वहां पर हमने देखा है किस तरीके से अलग अलग छोटे छोटे टेंट बने हुए हैं, उनमें किसान बैठे हुए हैं छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर। तो क्या उस तरफ जा सकते हैं जीटी रोड पर जहां पर किसान धरने पर बैठे हुए हैं, वो कई किलोमीटर लंबा स्ट्रेच, वहां भी जा सकते हैं क्या अरविंद केजरीवाल? जी देखिए, वहां पर जाना संभव नहीं होगा क्योंकि जितनी हमें जानकारी मिली है वो जो स्ट्रेच है वो हरियाणा के हिस्से में आता है, वहां से सोनीपत का जो इलाका है वो लगना शुरू हो जाता है। तो अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री हरियाणा में जा रहे हैं तो वहां पर जिस तरह की प्रशासनिक इजाजत लेनी होगी या कोई कानूनी समस्या खड़ी हो सकती है लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई, तो इसको देखते हुए हमें जो जानकारी मिली है यही से ही गुरु तेग बहादुर मेमोरियल से ही दौरा करके अरविंद केजरीवाल वापस लौटे थे और अभी अरविंद केजरीवाल जिस जगह पर मौजूद है बिल्कुल वहीं पर मैं खड़ी हूँ और यहाँ से अरविंद केजरीवाल अब फिलहाल निकलने की तैयारी है उनकी। तो जैसा आप पूछ रही हैं कि आगे जाएंगे तो ऐसा कार्यक्रम तय भी नहीं था क्योंकि उसके लिए उन्हें दिल्ली का बॉर्डर क्रॉस करके हरियाणा से वापस लौटना पड़ेगा, तो फिलहाल मुख्यमंत्री यहाँ से वापस लौट रहे हैं। बिल्कुल, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं भारत माता की जय की गूंज और उसके बीच अरविंद केजरीवाल और उनके साथ साथ उनके मंत्रिमंडल के करीब सभी साथी मौजूद हैं, सिर्फ एक गोपाल राय को छोड़कर क्योंकि वो कोरोना पीड़ित हैं। और ये सब लोग अब जैसा कि अंजलि बता रही है कि यहां से आगे और नहीं जाएंगे क्योंकि फिर वो हरियाणा की सीमा शुरू हो जाएगी, यहां से अब वापस लौटेंगे अरविंद केजरीवाल। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।